गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम यूनिवर्सल टेस्ट। इंडेक्स नंबर के अंदर टाइम यूनिवर्सल टेस्ट, ये टाइम यूनिवर्सल टेस्ट आपको फीसर इंडेक्स नंबर में दो यूनिवर्सल टेस्ट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, टॉपिक इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर किसका पढ़ रहे हैं आप? फीसर, फीसर्स इंडेक्स नंबर। ये फीसर इंडेक्स नंबर में आपको रिवर्सल टेस्ट भी पढ़ना है, उत्क्रमता परीक्षण। रिवर्सल टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइम रिवर्सल और दूसरा फैक्टर रिवर्सल। फीसर इंडेक्स नंबर के तहत रिवर्सल टेस्ट की आज स्टडी करेंगे और इसमें से पहली वाली जो रिवर्सल टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट फीसर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अस सो दैट इट सेटिस्फाई द टाइम यूनिवर्सल टेस्ट। फीसर इंडेक्स नंबर की डेटा नीचे दी गई है, क्या आप टाइम यूनिवर्सल टेस्ट से संतुष्ट हैं? यह आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। यहां भी कमोडिटी दी गई है, फिर 1982 जो आपका बेस ईयर है, 1983 जो आपका करेंट ईयर है। बेस ईयर का प्राइस P0 होगा, करेंट ईयर का प्राइस P1 होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 होगी और करेंट ईयर की क्वांटिटी Q1 होगी। क्लियर? ठीक। सॉल्यूशन फर्स्ट कैलकुलेट फीसर इंडेक्स नंबर एंड आपको क्या बोला है टाइम यूनिवर्सल टेस्ट, तो टाइम रिवर्सल यह हेडिंग बना दीजिए और अभी जैसे करते आए हैं सेम वैसे ही कीजिए। आपको एक चार्ट बनाना है, सबसे पहले कमोडिटी का, कमोडिटी का चार्ट बना दीजिए। एक कमोडिटी का खाना हो गया, फिर प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी गई है 82 की, तो इसको P0 और Q0 कर लीजिए, 1982 1983 को प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1। ठीक है, कमोडिटीज A टू E, A B C D एंड कमोडिटीज हो गया आपका, P0 उतार लीजिए 10, 12, 18, 20 and 22, क्वांटिटी 49,
25, 10, 5 and 8. ठीक उसी प्रकार 1983 का प्राइस उतार दीजिए 15, 20, 40 and 45. Q1 क्या हो गया आपकी 15, 20, 12, 15, 20, 12, 2 and 5. ये इस प्रकार से आप और P0, Q0, P1, Q1 लेने के बाद आपको P0, Q0, P0, Q1, P1, Q0, P1, Q1 ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, जब हम फीसर का इंडेक्स नंबर कर रहे थे, सेम अभी वही, सिर्फ 10% टेस्ट में इसका फार्मूला चेंज होगा। और फार्मूला चेंज भी नहीं करना है, वही फार्मूला है, बस उसको पलट देना। कैसे पलटेंगे मैं आगे आके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी हमको जो चीज फाइंड करनी है वो है P0 Q0। तो ये P0 है, ये Q0 है, ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 490। फिर 12 into 25 तो 176 कितना होगा 176। क्लियर। अब P0 Q1 तो देखिए P0 और Q1 कहाँ है, ये है P0, ये है Q1, ये अब इनके बीच मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10 into 15 यानी 500, 12 into 20 यानी 240, 18 into 12 240 576। Two hundred twenty.
की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू लिखिए, सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू, सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू और सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू, सब पर टोटल कर दीजिए। यहां 6 24 का 4 कैरी 2 1246। उसी प्रकार P0 Q1 को टोटल कीजिए, 6 1106। अब P0 Q1 अब इसको टोटल कर लीजिए, 1711। इसी प्रकार इसको टोटल कीजिए, 5 14 का 4 कैरी 1 7 3 10 12 14। क्लियर? ये आपने फाइंड कर लिया तो सबसे पहले फिशर का इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है? सिग्मा P1 Q0 एवं सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 एवं सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो आप वैल्यू रख दीजिए P1 Q1 1445 के पान P0 Q0 कितना है, देखिए P0 Q0 1246 इनटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P1 Q0 P1 Q0 कहाँ है? P1 Q0 1711 के पास P0 Q0 1246 इनटू P1 Q1 1445 के पास P0 Q1 1106 1 pint into 100। ये होगा ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लियर? अब ये सॉल्व करने के बाद हम 10 परसेंट टेस्ट में हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं। लिखिए 10 रिवर्सल टेस्ट। 10 परसेंट टेस्ट का फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू
इसी फार्मूला को आपको चेंज कर देना है, पलट देना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा पी जीरो क्यू वन, पी जीरो क्यू वन को ऊपर ले, ठीक है, और पी वन क्यू वन को नीचे ले आए, तो सिग्मा पी वन क्यू वन इंटू, फिर दूसरे के लिए सिग्मा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो जो नीचे वाला है इसको ऊपर ले आए और ऊपर को फिर नीचे ले आए, सिग्मा पी वन क्यू जीरो, इसी फार्मूला को पलट दिया। ये किसमें होता है? टैंक रिवर्सल टेस्ट, जिसकी वैल्यू वन आती है, और यहां पे जो मल्टीप्लाई हंड्रेड है इनटू हंड्रेड लिखते थे उसको यहां पे नेगलेक्ट करते हैं, यहां पे नहीं होती। अब वैल्यू रख लीजिए पी वन टू जीरो कितना है आपका, पी वन टू जीरो वन डबल वन सेवन डबल वन सीमान पी जीरो वन टू फोर सिक्स इंटू पी वन क्यू वन वन फोर फोर फाइव पी जीरो क्यू वन पी जीरो क्यू वन 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 जीरो सिक्स इंटू पी जीरो क्यू वन, तो पी जीरो क्यू वन का है आपका देखो पी जीरो क्यू वन, तो ये हो जाएगा वन वन जीरो सिक्स अपॉन पी वन क्यू वन, पी वन क्यू वन कितना है वन फोर फोर फाइव इंटू पी जीरो क्यू जीरो है वन टू फोर सिक्स अपॉन पी वन क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो वन सेवन डबल वन। यहाँ पे अंडर रूट तो रहेगा, ये अंडर रूट रहेगा, लेकिन जो गुणक सौ था मल्टीप्लाई हंड्रेड इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इक्वल टू। अब इसको देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 1246 साथ कैंसिल हो गया, 1106 1106 साथ कैंसिल हो गया, 445 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1711 1711 सारे के सारे कैंसिल हो गए, रूट वन है, तो अब क्या है इसका आंसर रूट वन, क्योंकि आपने दूसरे को काटा है यानी वन। अब रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वन, वन का रूट क्या होगा वन होगा। तो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट का कभी भी आंसर वन आएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट का आंसर हमेशा वन आता है। अब आपको यही लिखना है सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये वन आने में ही लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर हमेशा वन आता है, समझ गए? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।